हाय फ्रेंड्स, मैं हिवाली। मेरी चैनल पे आपको स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, यदि आप मेरी चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मसाला भिंडी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी लेकर अच्छे से धो लिया है। अब हम इस भिंडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। एक भिंडी को मैंने 3 टुकड़ों में काटी हूँ। चाहे तो आप इसका साइज इससे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने सारा भिंडी काट लिया है। अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। भिंडी को पकाने के लिए चूल्हे पर एक कढ़ाई गरम करके 1 से 1.5 बड़ी चम्मच तेल को गरम कर लेना है। जब तेल गरम हो जाए तब हमें इसमें भिंडी को फ्राई कर लेना है। भिंडी को हमें नमक और हल्दी पाउडर के साथ फ्राई करना है, इसलिए अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करके भिंडी को 60 से 70% पकने तक फ्राई करना है। तो भिंडी हमारा लगभग 70% पकने तक फ्राई कर लिया है। अब हमें भिंडी को एक प्लेट पर उठा लेना है। अब उसी कढ़ाई में और 1 से 1.5 बड़ी चम्मच तेल लेकर गरम कर लेना है। जब तेल गरम हो जाए तब हमें इसमें 2 सूखा लाल मिर्च और 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा डालकर भून लेना है। जब साबुत जीरा और लाल मिर्च भून जाए तब हमें इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 मीडियम साइज के प्याज के पेस्ट, 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करके लगभग 1 मिनट भून लेंगे। मसाले को 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें बड़ी 1 चम्मच सरसों को पेस्ट बनाकर इसमें ऐड करके इसे अब हमें और लगभग 1 से 2 मिनट भूनना है। मसाले को लगभग और 2 मिनट भूनने के बाद अब हमें इसमें फ्राई किया हुआ भिंडी को ऐड कर देना है। भिंडी को मसाला में ऐड करने के बाद मसाला से अच्छे से मिक्स करके लगभग 1 मिनट भूनना है। एक मिनट बाद अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके मिक्स करने के बाद 2 मिनट पकने देंगे। तो हमारा मसाला भिंडी तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मसाला भिंडी बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग भी मेरी तरह एक बार बनाकर खाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरी ये रेसिपी? अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, यदि आप मेरी चैनल पर नहीं आई है तो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय।